नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। चेक डैम के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का नामो निशान नहीं, सचिव की मनमानी और भ्रष्टाचार से अनजान है प्रशासन। अनूपपुर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत सकोला में दानी बाबा के पास बिछली नदी पर ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा चेक डैम के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार करने की खबर सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव ने ठेकेदारों के साथ साठगांठ कर चेक डैम के निर्माण कार्य के लिए आवंटित की गई राशि को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है और चेक डैम में कम पैसा लगाकर कार्य करवाया है, जिससे डैम की गुणवत्ता पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि चेक डैम में कड़ी शटर लगाने व उसके निर्माण कार्य के लिए सचिव को 14 लाख से ज्यादा रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से उसने 13,80,000 रुपए अपने लोगों में बांट दिए और खुद की भी जेब भरी है और लाचार मजदूर ग्रामीण बेरोजगार रहने को मजबूर हैं। इस चेक डैम के निर्माण कार्य ने इनके लिए रोजगार की किरण जगाई थी, जो ग्राम पंचायत सकोला के सचिव द्वारा बुझा दी गई है। सचिव ने चेक डैम का काम अपने चहीते ठेकेदारों से करवा लिया और लेबर पेमेंट मनरेगा के माध्यम से सचिव रोजगार सहायक अपने लोगों का नाम भरकर कमीशन देकर उक्त राशि ले गए, जिससे बेचारे गरीब मजदूर बेरोजगार रह गए। लेकिन प्रशासन को इस बात की कोई खबर नहीं है कि जिले में निर्माण कार्यों में आखिर चल क्या रहा है। क्या सिर्फ प्रशासन का काम सचिव को चेक डैम का निर्माण कार्य सौंपना ही था? क्या प्रशासन का कर्तव्य नहीं है कि वे पता करें कि किससे और किस तरीके से चेक डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? स्वयं कमिश्नर राजीव शर्मा के द्वारा जिले के सभी ग्राम पंचायतों पर बनाए गए चेक डैम में पानी को रोकने के लिए बोरी बंधान और मिट्टी का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका भी ग्राम पंचायत सकोला के सचिव द्वारा पालन नहीं किया गया है। किंतु अब सवाल ये है कि अभी तो ये चेक डैम खाली पड़ा हुआ है, किंतु जब इसमें पानी भरा जाएगा तब क्या होगा? इसका जवाब साफ है कि सचिव के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस खबर से कब तक प्रशासन रूबरू होती है और कब तक इस डैम में किए गए भ्रष्टाचार वालों पर कार्रवाई की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।